नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। G20 देशों की बैठक 8 से 10 सितंबर के बीच दिल्ली में होने जा रही है। ये पहला मौका है जब भारत में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। G20 बैठक में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, जापान सहित तमाम बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये G20 क्या है और इसका आयोजन क्यों किया जाता है, भारत को G20 के आयोजन से क्या फायदा होगा। आइए हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देते हैं। दरअसल G20 समिट दुनिया के 20 देशों द्वारा मिलकर बनाया गया एक शक्तिशाली ग्रुप है। साल 1999 में इसकी स्थापना की गई। इसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों द्वारा मिलकर आपसी सहयोग के लिए बनाया गया था। इसमें भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, तुर्की, मैक्सिको, साउथ कोरिया, यूरोपीय संघ और अर्जेंटीना शामिल है। आपके मन में अब ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि G20 समिट को बनाने का क्या मकसद था। दरअसल साल 1999 से पहले कुछ सालों से एशिया आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिसे देखते हुए जर्मनी में G8 देशों की बैठक हुई और G20 का गठन किया गया। इसमें सभी मजबूत अर्थव्यवस्था वाले 20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर को बुलाया गया। संगठन का मकसद वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर आपसी चर्चा कर हल निकालना था। साल 2008 की वैश्विक मंदी के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस बैठक के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। वहीं G20 की ताकत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास कुल मिलाकर दुनिया की 80% GDP, 60% आबादी और 75% ग्लोबल ट्रेड है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर असर डालता है। यूनाइटेड नेशन की तर्ज पर G20 के पास कोई विधायी शक्ति नहीं है। इस सम्मेलन के दौरान किए गए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। ये आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है। यहाँ लिए गए निर्णयों से अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड काफी हद तक प्रभावित होता है। ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर भारत को G20 का सदस्य होने से क्या फायदा होगा। सरल शब्दों में समझें तो G20 बैठक के दौरान दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और उसे बढ़ावा देने पर चर्चा होती है। आर्थिक मजबूती से देशों में रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होते हैं। यहाँ शिक्षा, खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करना, रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए जाते हैं। G20 के अध्यक्ष का फैसला ट्रोइका से तय होता है। हर सम्मेलन को पिछले, वर्तमान और भविष्य के राष्ट्राध्यक्ष के समर्थन से आयोजित किया जाता है। इसके समूह को ट्रोइका कहा जाता है। इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील है। सरल शब्दों में समझें तो भारत को G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया से मिली है और अब अगले साल ब्राजील इसकी अध्यक्षता करने वाला है। G20 में कुल दो ट्रैक होते हैं, पहला वित्तीय ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक। वित्तीय ट्रैक में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर अहम भूमिका निभाते हैं। शेरपा ट्रैक में शेरपा शब्द को नेपाली भाषा से लिया गया है। शेरपा को गाइड कहा जाता है। G20 में शेरपा नेताओं के गाइड की तरह काम करते हैं। शेरपा ट्रैक में नेताओं की चर्चा होती है, जिससे मुख्य बैठक के दौरान मुद्दे पर बात करने में आसानी होती है। यूं तो G20 का गठन हुए 24 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर साल G20 की बैठक हो। दो दशक से भी अधिक वक्त में कुल 17 बार G20 की बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। ये 18वां मौका है जब G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान केवल ग्रुप के सदस्य देश ही इसमें शामिल नहीं होते, बल्कि ऐसे देश को भी आमंत्रित किया जाता है जो इसका हिस्सा नहीं है। भारत ने 9 देशों को G20 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जिसमें पड़ोसी देश बांग्लादेश के अलावा मिस्र, UAE, नीदरलैंड,
मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन शामिल है। बता दें कि G20 ग्रुप का कोई मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। इसका आयोजन बिना किसी स्थायी कर्मचारियों के किया जाता है। सभी 20 सदस्य देशों के बीच हर साल रोटेशन की एक प्रणाली है, जिसके माध्यम से नए अध्यक्ष का चुनाव होता है। एक साल के लिए अध्यक्ष बनने वाले देश की ये जिम्मेदारी होती है कि वो G20 बैठक का पूरा संचालन करे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।